हाँ जी, तो राम राम सभी भाइयों को फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो पिछला ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा वैसे तो। तो आज अपन चल रहे हैं इटारसी, अपने कुबोटा के लिए अपन चिप ले आते हैं, अपने लिए स्वेटर भी लेके आना है, तो चलो चलते हैं। तो घर से अपन निकल चुके हैं, देखिए मैं मनसा देवी मंदिर मैं दिखाऊँगा किसी ब्लॉग में एक बार अंदर से अच्छे से। तो देखो ये अपना खेत, जो हरी हरी दिख रही है ना अपनी गेहूँ, ये अपना खेत, मतलब इस एरिया में सबसे पहले अपनी बुआ गई थी। बाकी राकेश भाई की बुआई है तो वो पहली बार आता रेलवे स्टेशन के उस तरफ। बाकी सॉरी, चलो ढोरिया को रोक दो भैया, चलो जरा भगाते हैं, फिर ही चलेंगे इटारसी। देखो भाई सब ऐसा होता है, संत आ गए, चले हाँ आ गए। तो ये देखिए रास्ते में खेत पड़ता है, अब जा रहे थे, देखा दो गाय, यही करते हैं क्षेत्र में, आपको तो पता ही होगा ये क्या करते हैं, लगा लेते हैं शाम को फिर डंडे मार के बाहर छोड़ देते हैं। सुबह लगा लिया, डंडे मार के बाहर छोड़ दिया। अब अपन भी ज़्यादा कुछ कर नहीं कर सकते भाई, जितनी अपने पास है अपन उनकी सेवा कर सकते हैं, बाकी अब नुकसान करेगी तो खेत से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो चलो इनको निकालते हैं और फिर अपन चलते हैं इटारसी। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भागे उधर, वो पहली पार चले गए, उनको मतलब इतनी दूर कर रहे हैं। बाकी वैसा का वैसा हो गया, मैं इटारसी जा रहा था सब। चलो कोई ना, चलते हैं। जब देखो जैसे रहते मित्र, गाड़ी से तक नहीं उतरा मैं, कितनी दूर गया पैदल उधर, वो खम्मा दिख रहा, वो वहाँ से आ रहा पैदल, बैठे हैं देखो स्नीकर्स पहन के, स्नीकर्स बोलते क्या बोलते हैं, जय माल भी जी हैं। हाँ जी, तो आ चुके हैं अपन घर, अब रात को थोड़ा लेट हो गए थे तो सर्दी हो गई है ठंडी के कारण। तो चलिए चालू करते हैं, मधुर और अमन को बुला लेते हैं अपन, उसके बाद चालू करते हैं। तब तक मधुर और वोमन आ रहे हैं, तब तक मैंने कहा अपन 963 से खेत में अपनी यूरिया पहुंचा दें, तो जुगरू चाचा छोड़ दिया अपन ने। अब चलते हैं घर की ओर, और वो आते हैं तो फिर उनके साथ तैयारी करते हैं अपनी। तो खाद अपन ने पटक दिया है वो देखिए वहाँ पे, तो अब चलते हैं घर की ओर, इसकी भी साफ सफाई करना है 963 की। ये ज़्यादा खपता नहीं है और वाइट कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, तो साफ सफाई के बाद बहुत अच्छा दिखता है। में भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस का है, लेकिन कुबोटा क्या है मतलब बौनी बकरानी में चलता है और मचाई में, और उसके बाद क्या उसके मडगाड़ में काफ़ी गैप है, ज़मीन से नीचे डिस्टेंस भी काफ़ी है, तो उसमें कोई भी तुम लाइट लगाओ कुछ भी लगाओ तो उसको अगर मचाई में भी चलाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला किसी भी लाइट का। लेकिन हिल में क्या है, इसमें मडगाड़ में, इसमें जॉन डियर में 855 में आप लगा दो, आप मचाई में एक बार ले जाओ उसको, मतलब मचाई में नहीं अगर गीले खेत में भी ले जाओगे ना तो उखड़ के फेंका जाएगी लाइटें, तो इसलिए हम इन सब में लगाते नहीं है लाइटिंग, उसको ही खाली एक मॉडिफिकेशन के लिए अभी फ़िलहाल तो उसको ही किया है, बाकी आगे देखते हैं। पर इन सब में भी दिमाग लगाते हैं अपना पूरा, ऐसा क्या करना रहेगा। बाकी चलिए घर चल के मिलते हैं, और किस किस के पास है वैसे 963 और कैसा चलता है बताना ज़रूर मुझे। हाँ जी, तो ये देखिए अपनी लाइट पूरी आ चुकी है। टोटल अगर बात करें लाइट की तो 45 तो अपन ने कल नहीं लेके आए, बाकी 10 के करीब अपने अपने बोनेट में लगी है, और पुरानी वाली भी रखी है 15-20 के करीब। तो पूरी लाइट इसमें लगाना है, अब देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट आता है। बाकी अभी तो आज प्लानिंग चल रही है कैसे क्या लगाना है, हर जगह अपन पहुंचा के और चला के देखेंगे, बाकी फाइनल रिजल्ट आपको वीडियो के एंड में मिलेगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आइडिया इनका है, मेरा आइडिया तो सुन नहीं रहे हैं ये लोग। तो ये है अपना रूट्स का फ्लेशर, एक तो पहली बात ये रूट्स का है, तो रूट्स काफ़ी अच्छी ब्रांड है, और बाकी इसमें एक जो है फंक्शन है नॉर्मल, अपन को पूरे लाइट एक साथ ही जलाना है तो आप जला सकते हैं पूरे लाइट। नहीं समझ आया हुआ था पेटर पीटर, अलग ही समझ में आया हुआ, देख वो बंद हो रहा है वो जल रहा है। तो ये देखो टीचे अपना काम चल रहा है इसका, ये गैप भी लगा है, बाकी इसके बाजू पे पर यहाँ पे एक वाइट हो जाएगा, यहाँ पे भी वाइट 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 बाजू में। ये डबल साइडेड टेप इसमें है, इसमें अपन ने फेविकॉल लगा दिया है ताकि ये फेविकॉल जब पकड़ लेगा उसको अच्छे से मजबूत, तो अपन डबल साइडेड टेप निकाल के यहाँ पे भी फेविकॉल लगा देंगे, क्योंकि लकड़ी वाला फेविकॉल लगाने का ये है बारे सारे कहीं भी वो निकलेगी नहीं ज़बरदस्ती आप निकालो तो। और इसमें बीच में हमने कहीं जॉइंट नहीं दिया है क्योंकि सिंगल टू सिंगल जाएगी तो वायरिंग की दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं भाई मतलब वायरिंग एक जगह कोने पे कहीं भी दे दूँ, वायरिंग ज़्यादा दिखेगी नहीं। ये रेड वाली चिप बची है बस, बाकी सब चिप खत्म हो गई है, मतलब इतना सोचा नहीं था, यहाँ से लेके ये मधुर यहाँ लेट है अपना क्लिच प्लेट तक, अपनी 45 चिप खत्म हो गई, मतलब 40 चिप, 20-20 चिप,
अब आगे का देखते हैं क्या करना है। फिर अब इटारसी जाएंगे, इटारसी से लेके आएंगे, हम तक हो पाता है कि नहीं हो पाता। बाकी फेविकॉल से चिपका रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत भी जा रही है, थोड़ा लेट भी चिपक रहे हैं। तो ये आइडिया एक अपने मन में आया है, तो ये देखिए आप कैसा लगा। ये देखो ये, और इंडिकेटर के साथ अगर जलाना है तो थोड़ा वो भी चेंज हो जाएगा। फिर से करिए भाई, चलो ये देखो, एक मतलब अलग ही लोग दे रहा है ना। Pay for you.